Hello everyone, welcome back to our Learn Guru classes class 10th, and here I am your social science expert and my name is Ananya ma'am, and today we are here with a very brand new chapter of geography with the part 1 of that chapter, and that is manufacturing industries. Okay, so this is only the part 1 is all the introductory section, introductory part hai ye pura industries. What are manufacturing industries, how many types of industries are there, unke sub parts kya hain, and all the importance and challenges, everything we'll be covering in the next part. So this is just the part 1 of this chapter, and that is only the introductory part and also the base of the chapter. Okay, chaliye start karte hain that actually what are manufacturing industries. आपको पता है थोड़ा सा एक प्रेमाइस सेट करते हैं दैट इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्चुअली इट बहुत ज्यादा हमारी कंट्री में इसकी जरूरत है और अगर ये नहीं होगा तो आप जस्ट इमेजिन करो कि इतने सारे एम्प्लॉयमेंट जो जनरेटेड है इतनी डेवलपमेंट है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम इंडस्ट्रीज का है. वी आर यूजिंग फिनिश प्रोडक्ट्स उन्हें प्रॉपरली रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने का यूजेबल प्रोडक्ट्स में कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने का काम इट इज ऑफ इंडस्ट्रीज. नहीं चल सकता, पैकेजिंग इंडस्ट्री अलग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कॉटन को एक टेक्सटाइल एक स्टफ में कन्वर्ट करना, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ज्यादा है. शुगर इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका. तो वी कैनॉट इमेजिन आर डेवलपमेंट और वी कैनॉट इमेजिन कि हमें वो प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगे लाइक व्हाट वी यूज इन डेली कोर्स. क्लियर ना? सो इन इस चैप्टर को हम डेली लाइफ से रिलेटेड ही लेकर चलेंगे. बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर. पार्ट 1 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. What are manufacturing industries? The process of converting raw materials into finished goods that meet the demands of a customer is called manufacturing. किसी raw material को एक usable form में convert करना, right? Sugar cane is a raw material, and उसको sugar में convert करने का काम किसका है? Manufacturing industry का है, sugar industry का है. तो example paper. वुड से बनता है, एल्यूमिनियम गुड्स फ्रॉम बॉक्साइट, ऑल दीज बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स बन रहे, इट इज अ मिनरल. तो ये सब चीजें क्या हैं? एक रॉ मटेरियल में से एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बनाना, व्हाट एवर वी कैन यूज, जो हम उसे प्रॉपरली यूज कर सकते, दैट प्रोसेस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग. और जहां पर वो सब चीजें होती हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. राइट ना? बहुत इजी है. इम्पोर्टेंस क्या है? चलो अपने आप देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एंड अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो इनकम भी तो इंक्रीज होगी ना, उससे पॉवर्टी डिक्रीज होगी. क्लियर? सो एक हमारे कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है, हमारा कंट्री प्रॉस्पर हो रहा है, ग्रोथ हो रही है. नंबर 1, डिपेंडेंस ऑन रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में क्या है बच्चा, क्या होता है एग्रीकल्चर में? बहुत ज्यादा एक डिपेंडेंसी होती है, बारिश होगी तो ये चीज ग्रो होगी, अदरवाइज हम उस पर टेक्नोलॉजी लगाकर वो चीज को हम इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में, और वी कैन यूज दैट थिंग. ठीक है ना? तो ये काम हमारा कौन करती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. थोड़ा सा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम हो गया है. इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. यही कहा है मैंने अभी कि इंडस्ट्री में जो काम करेंगे व्होएवर, जो एक लेबर वर्क करेगी, जो एक ओनर है, जो एंटरप्रेन्योर्स बोला जाता है उन्हें, तो उनका उनके लिए क्या होगा? एक एम्प्लॉयमेंट. व्हाट दे आर सेइंग, उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी जिससे इरेडिकेशन, इरेडिकेशन मींस एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होती है. इरेडिकेशन मींस रिड्यूस होना, कम होना, पॉवर्टी कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. दैट इज अ वेरी बेसिक कॉज है हमारी कंट्री की बैकवर्डनेस का. रिड्यूसेस रीजनल डिस्पैरिटीज. एक जो ये गैप है ना, वेज है बिटवीन रिच एंड पुअर, इनकम जाएगी तो ये गैप भी कम खत्म हो सकता है. एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स, हमारा बिजनेस इंक्रीज होगा. इंक्रीजेस प्रॉस्पेरिटी, हमारी कंट्री डेवलप करेगी. These are the basic reasons, and we can say importance है manufacturing industries की, right? चलिए
factors contributing to location. अगर हमने एक छोटी सी भी शॉप बनानी है, ठीक है, शॉप सेटल एस्टैब्लिश करनी है, तो उसके लिए भी हम ये देखेंगे ना कि वहां पर मार्केट होनी चाहिए, मेरा प्रोडक्ट वहां पर सेल होगा या नहीं होगा, वहां पर टैक्सेस कम है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, प्रॉपर वाटर फैसिलिटी है, मेरे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट फेवरेबल है या नहीं है, एवरीथिंग वील वॉच आउट. तो यही चीजें हैं बच्चे कि इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, जब हम एक इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो हम किन किन चीजों को ध्यान में रखते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स. नंबर वन, इफ आई एम एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री, आई विल चेक आउट कि वहां पे पावर रिसोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, वाटर रिसोर्सेज प्रॉपरली है, क्लाइमेट हमारे अकॉर्डिंग या मेरे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फेवरेबल है या नहीं है. क्लाइमेट शुड बी फेवरेबल, क्लियर ना? तो हम ये सब कुछ चीजें चेक करेंगे. एंड ह्यूमन फैक्टर्स, एक होते हैं फिजिकल फैक्टर्स, नेचुरल पावर रिसोर्सेज, क्लाइमेट, ये सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं. कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं, हम ये चेक करेंगे कि वहां पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो कम है ना, टैक्सेस ज्यादा तो नहीं देने पड़े बच्चे. इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली अवेलेबल है, मेरा प्रोडक्ट इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है विद इन अ वेरी इकोनॉमिकल एंड नॉमिनल रेंज, मार्केट अवेलेबल है. ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ कोई ले नहीं रहा है, सेल ही नहीं हो रही है, दैट इज ऑल्सो नीडेड. कैपिटल, क्या मुझे मेरा प्रॉफिट मिल पाएगा, क्या मेरी कैपिटल जनरेट होगी, यही फैक्टर्स हैं. सम आर ह्यूमन फैक्टर्स एंड सम आर नेचुरल फिजिकल फैक्टर्स बोला जाता है. इफ एवर हम अगर एक इंडस्ट्री सेटअप करने की सोचते हैं तो वी विल सी दैट क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए, मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए, लोकेशनलाइजेशन, लोकेशन अच्छी है या नहीं है, एवरीथिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एवरीथिंग वी लुक आउट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज टाइप्स क्या है, इंडस्ट्रीज के क्लासिफाई कैसे करा गया. इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. कई इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत हैवी प्रोडक्ट्स बनाती है. अच्छा बच्चा, मशीनरी बनाने की तो इंडस्ट्री होगी ना, एंड दैट इज द, पता है, बेसिक इंडस्ट्री है. व्हाई? क्योंकि वो इंडस्ट्री मशीन बनाएगी तभी तो दूसरी इंडस्ट्रीज को मशीनरी मिलेगी आगे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. वो बेसिक इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री. एंड उसके बाद हमारे पास आती है लाइट इंडस्ट्री, वेरी लाइट मटेरियल की जो होती है, बेस्ड ऑन कैपिटल इंटेंसिव और लेबर. एक होती है स्मॉल स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्री जहां पे मशीनरी ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करी गई है, दैट इज लार्ज स्केल. जहां पे कैपिटल कम इन्वेस्ट, मनी कम इन्वेस्ट करा गया, वहां पे लेबर वर्क कर रही है बाय हैंड, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. एंड देन वी आर कमिंग ऑन टू दी बेस्ड ऑन ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप, मेरी इंडस्ट्री है, मैंने एस्टैब्लिश करी, दैट इज प्राइवेट इंडस्ट्री. उसके बाद पब्लिक इंडस्ट्री आती है हमारे पास, गवर्नमेंट सेक्टर, जॉइंट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट प्लस पब्लिक, क्लियर. तो कॉर्पोरेटिव सेक्टर्स भी जॉइंट में आता है, दैट दे आर वर्किंग टुगेदर, और वी कैन से इन अ पार्टनरशिप. Got it? So these are the classification of industries, and also on the basis of raw material we are done, on the basis of ownership we are done with it, based on the source of raw material, agro based, jo industries agriculture par based hai, jo industry minerals par based hai, bauxite aayega to hi aluminium industry run hogi, correct. Based on role, basic industry, मशीन वाली जो इंडस्ट्री है, दैट इज द बेसिक हैवी इंडस्ट्री. बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जहां से प्रोडक्ट बस लेकर आना है और रिटेलर्स को सेल हो जाएगा, एंड दे आर रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर, राइट. नेक्स्ट हमारे पास बच्चे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है. नंबर वन आती है कॉटन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर पर बेस्ड है. जूट इंडस्ट्री टोटली एग्रीकल्चर पर बेस्ड है. सिल्क, सिंथेटिक फाइबर्स, वुलन, शुगर, एडिबल ऑयल, एवरीथिंग, ये जो इंडस्ट्रीज है एग्रीकल्चर पर बेस्ड इंडस्ट्रीज है.
उसके बाद हमारे पास आता मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. एज आई टोल्ड यू, बॉक्साइट आएगा, एल्यूमिनियम बनेगा. आयरन के लिए आयरन ओर्स आएंगे तो आयरन और स्टील कन्वर्ट होगा. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आयरन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आयरन एल्यूमिनियम एंड मेनी अदर थिंग्स आर नीडेड इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. तो ये सब चीजें क्या है? एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज ऑल्सो ऑटोमोबाइल. उसमें क्या है? मशीनरी तो होती है, स्कूटर्स, कार्स, ये जो व्हीकल्स एंड ऑल. तो दादा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, दे आर डाइवर्सिफाइड, क्लासिफाइड है बहुत वाइडली. क्लियर ना? सो दिस वॉज द पार्ट वन ऑफ योर चैप्टर. दैट वॉज अ वेरी इंट्रोडक्टरी सेशन ऑन पार्ट वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, जस्ट कॉमेंट इन द कॉमेंट बिलो. आई विल बी देयर टू आंसर ऑल द क्वेरीज. दिस वॉज अनन्या मैम साइनिंग ऑफ. स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग.